तो गाइस 2024 के चुनाव बिल्कुल समीप हैं और उसके चलते जगह जगह से अब विरोध प्रदर्शन। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 के जो चुनाव हैं वो बिल्कुल निकट हैं, समीप हैं, उसके चलते अब जगह जगह से मांग उठने लगी है जो लोगों की जो ज़रूरत है उसको लेकर, और अब लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, कहीं ना कहीं सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार ने जो वादे लोगों से किए थे उन वादों को सरकार पूरा नहीं कर पाई, अपनी बातों पर खड़ी नहीं उतर पाई। तो आज एक और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ये विरोध प्रदर्शन है सोल घाटी से। देखते हैं इनकी क्या मांगे हैं और क्या मांगों को लेकर आज ये इस विरोध प्रदर्शन को कर रहे हैं। तो देखिए सोल क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, तो सोल क्षेत्र से ये आया है ग्राम सभा रद्द गाँव से। पुल निर्माण यातायात हेतु ये मांग है इनकी, और सोल क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक, मातृशक्ति सब लोग एकजुट होकर यहाँ आए हुए हैं आज। तो कहीं ना कहीं सरकार को चेताने की कोशिश की जा रही है कि 2024 के चुनाव को नज़दीक देखते हुए, समीप देखते हुए, तो ये भी ज़रूरी है सरकार को चेताने के लिए, और एकता में शक्ति है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इन लोगों की जो मांगे हैं उन पर गंभीरता से विचार करेगी और उसे पूरा करने की कोशिश भी करेगी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। केडी वर्ल्ड में आप सभी साथियों का फिर से बहुत बहुत स्वागत, और मैं आपका भाई कमलेश देवराड़ी कमल अपने इस नए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और फिर से आपका भाई है अपनी शॉप पर। और आज फिर शॉप पर कुछ सप्लाई आई हुई है, तो उस सप्लाई की अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ नया आप लोगों के लिए हमारी शॉप पर आया हुआ है। इसकी सप्लाई आई हुई है एंड फॉर्चून की सप्लाई भी आई हुई है, साथ में किंग्स की सप्लाई भी आई हुई है। अब हमारे पास अभी हो गए 1, 2 और 3 डिब्बे हो गए, तो इन तीनों डिब्बों की एक एक करके अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले इस वाले डिब्बे को खोलते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो गाइज इसके अंदर है 0.5 लीटर की रिफाइंड की बोतल किंग्स की, ये देखिए। एंड अब जो दूसरा वाला है उसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। तो गाइज अब फॉर्चून वाले की अनबॉक्सिंग करके देखते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ आया। इसके अंदर मुझे लग रहा है मस्टर्ड ऑयल है, सो इसके अंदर आया है मस्टर्ड ऑयल की 1 लीटर की बोतल फॉर्चून की, ये देखिए, काफ़ी अच्छी है सेहत के लिए। एंड फाइनली अब तीसरे वाले की अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या आया हुआ है। तो गैस इसके अंदर भी आया है रिफाइंड ऑयल, और रिफाइंड ऑयल ये वाली बोतल है 1 लीटर की। तो गैस तीनों पेटियों की अनबॉक्सिंग करके हमने देखी 0.5 लीटर का रिफाइंड ऑयल, 1 लीटर का रिफाइंड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। तो ये तीन सप्लाईयां आज आप लोगों के लिए आई हुई हैं शॉप पे। बेसिकली आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश ये होती है कि हम फॉर्च्यून का तेल ही आप लोगों को बेचें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। मेरी बेटी आ जाएगी, सेकंड पेपर था ना आज फाइनल, बस हो गया, आप छंटिया दिया सारे पेपर, कैसा गया पेपर? ठीक गया। चल ठीक है, गॉड ब्लेस यू बेटा। हाँ ओहो, काम तो हो गया, काफी थकान लगी, अब कुछ खाने का मन कर रहा है। तो लक्ष्मी देव राड़ी जी आए हुए विजयपुर से, वो पेस्ट्री खाना चाहते हैं, तो चलो सीधे बेकरी में जाकर मिलते हैं फिर। ओ हीरो, कौन कौन सी पेस्ट्री है आज तेरे पास? ये दो ही वैरायटी है ना, ये तो रोज रहती है, उसके अलावा कुछ है डिफरेंट है कुछ? भाई जी बताइए आप, डिफरेंट आपके लिए हम कौन सी खाना पसंद करेंगे आप? खाने से मतलब तो है ना, एक फ्लेवर होता है ना हर किसी इंसान का कि यार मुझे ये पसंद है। ये वाला स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, मुझे तो चॉकलेट पसंद है, आप स्ट्रॉबेरी खाओगे? चलो जो आपको अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। किस में परोस रहे हो आप हमको, डिस्पोजल में? हमारी जिंदगी भी डिस्पोजल से कम नहीं लग रही हमको अभी। मालिक साहब भी आ गए। हैरी सर, क्या बात, आप आजकल ड्यूटी पे नहीं हो, आप लापरवाह हो रहे हो क्या? पैसे लाए हो बहुत सारे पैसे? मालिक साहब के बड़े बड़े काम चल रहे हैं। नहीं, काम चलने चाहिए ऑब्वियसली, मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ काम चल। आपकी अनुपस्थिति में हम यहाँ पूरा सपोर्ट करते हैं, आपका प्रचार भी करते हैं कंटिन्यू, सब कुछ, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सीनियर हूँ ऑब्वियसली। सो हम लोग खाने वाले पेस्ट्री, हम दोनों ये
अच्छा अच्छा मामा को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में दे दो, मुझे यही पसंद है। बन गए हो तुम नू के बाद अपने परम मित्र लक्ष्मी प्रसाद देवराड़ी जी आए हुए हैं, तो हम लोगों की आज छोटी मोटी पार्टी चल रही है, सिर्फ दोस्त भी आ गए, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन कर ली हमारी। पेस्टी तो हम लोगों ने खा ली है, अब मैं बैठा हूँ बाहर धूप में, काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है। आज दिखाता हूँ आपको आज का मौसम, थराली बाज़ार आज चहल पहल भी काफ़ी कम है मार्केट के अंदर, आप देख सकते हैं। और मौसम कुछ ऐसा है आज का, आसमान देखो कितना नीला है और कहीं भी आपको बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब इस तरफ को हल्के फुल्के बादल बन रहे हैं, अभी शाम तक देखते हैं मौसम कैसा रहता है, वो भी आपको दिखाएंगे। आज सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, अभी पेस्टी भी खा ली है, तो आज तो लंच की गुंजाइश ख़त्म हो गई, आज लंच नहीं होने वाला है आपके भाई का। बीते कुछ सालों में अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव आया है दोस्तों, बट जो दोस्तों धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ने लगी है, तो गर्मी काफ़ी होगी थी बाहर में क्योंकि मैंने स्वेटर भी पहनी हुई है अभी, तो मैं आ गया हूँ दुकान के अंदर और फुर्सत में कुछ सोचते हैं कि क्या कुछ किया जाए। हालांकि बीते कुछ सालों में बहुत कुछ बदलाव आया है ज़िंदगी के अंदर, कुछ बदलाव अच्छे कुछ बुरे, पर कुल मिलाकर ज़िंदगी चल रही है प्रभु जी की कृपा से और आप लोगों के प्यार से। एक खूबसूरत बच्ची को, मेरी बेटी को, एक खूबसूरत कैट मिली है, बिल्ली मिली है और वो काफ़ी भूखी है, तो देखिए भाभी जी ने उसको बिस्किट खिलाया है और देखो कितने चाव से खा रही है, इससे पता लगता है कि कितनी भूखी है, भूख के मारे कुछ भी खाने को तैयार। ये वाला भी खिलाओ, ये वाला खिलाओ यहाँ पे, ये जो है बाप रे, देखो ये भूख के कारण कितनी, बाप रे कितनी तेज़ी से खा रही, इतनी भूख लग गई है इसको, हाथ काटेगी और हाथ में नाखून मारेगी। देखो किसी ने पट्टा भी बांध रखा, वो आवाज़ कैसे कर रही है, शेर की तरह कर रही है, देखिए बिल्कुल शेर के आकार का होता है और बिल्ली को शेर की मौसी कहा जाता है, यानी कि शेर की तरह तेज तर्रार होती है बिल्ली भी अपने शिकार को पकड़ने के लिए। बिल्ली अक्सर चूहों का शिकार किया करती है और साथ में किसका, सांप का भी शिकार किया करती है ना, बाकी कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती है बिल्ली, बहुत तेज होती है। और अगर घर में कोई पालतू इसको बनाए तो फिर ये दूध पीती है दूध, ये देखिए शेरनी के मुंह पर अगर दूध लग जाए ना तो शिकार करना शुरू कर देती है। कैसे हो, मजे हो रहे मित्र, कब तक है छुट्टी, कब तक है छुट्टी, छुट्टी है बस कल तक, फिलहाल सही बोलो, इतनी जल्दी खत्म हो गए, दो महीने कहा, फिर कल कहाँ जाओगे, दिल्ली, दिल्ली से फिर, ठीक है यार आप देश सेवा कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी वजह से हम सुरक्षित हैं। हीरो क्या कह रहे हैं, पिस्टी खिला लो, मैंने तो सोचा कोई खुशखबरी है तो पार्टी, डेढ़ करोड़ भी आ जाएंगे। अनिल इन दोनों को पेस्टी खिला दे एक मेरी तरफ से।